प्रियांश क्या देख रहे हैं? प्रियांश वीडियो देख रहे हैं? क्या है बन क्या क्या देख रहे हैं? वीडियो है किसी की दिखा वो है सीरी वो जैसे क्राइम पेट्रोल वगैरह नहीं होता। अच्छा जी वो उस पे है ये जो वो स्टोरियां सी नहीं होती हैं वो है ये। हेलो जी कैसे हो आप सब लोग? जय श्री श्याम आप सबको। सो अभी मेरी काफ़ी हद तक तबीयत है जो वो ठीक है। अगर खुद से सोचो ना कि हम ठीक है तो मीन्स हम ठीक है। अगर खुद को ऐसा फील हो कि हम ठीक नहीं है तो हम फिर तो सारा दिन पड़े रहे तो ठीक होने ही नहीं। जब तक हमें खुद से ये फील नहीं होता हम खुद अपने आप को ठीक नहीं समझते। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ मैं नहा लेती हूँ। नहा के फिर मैं अभी देखती हूँ मैं कपड़े क्या पहने हैं। पहले मैं कपड़े निकाल लेती हूँ। मैंने सोचा ये वाला सूट है जो ये वाला पहनती हूँ। ये प्लाजो है इसके साथ का और तो इसके साथ का ये वाला कुर्ता है। मैं अभी इसको प्रेस प्रेस करके ये मेरा थोड़ा सा लूज है तो मतलब काफ़ी ज़्यादा लूज है। एक्सल साइज में मंगवा लिया था बट अब मेरे एक्सल नहीं आता है। कोई कोई एक्सल आ जाता है बट ज़्यादातर एल साइज ही आ जाता है मुझे। सो ये वाला सूट आज मैंने निकाला है पहनने के लिए। मैंने बोला था ना आप सबको कि अच्छा मैंने आप सबको बोला था कि मैं अब से अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाऊंगी और मेहनत करूंगी। तो ये मेरे इस चैनल की फर्स्ट वीडियो की शुरुआत है। काफ़ी टाइम से मैं इस चैनल पे वीडियो नहीं डाल रही हूँ तो आज मैंने सोचा मैं वीडियो डाल लेती हूँ। और आज मैं आपके साथ लिपस्टिक्स का कलेक्शन भी अपना शेयर करूँगी जो मैंने न्यू मंगवाई है। तो चलिए पहले मैं नहा के आती हूँ फिर मैं मिलती हूँ आप। हमारे मेकअप में सिर्फ लिपस्टिक लगा लेने से ही हमारे फेस पे एक अलग सी जान आ जाती है। कितना ही मेकअप कर लो जब तक आपने लिपस्टिक नहीं लगाई तब तक आपका मेकअप फ्लॉप है। तो गाइज आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ममार्थ के ये क्रीमी मैट लिपस्टिक्स। समर सीज़न में क्या होता है कि लिपस्टिक से हमारे जो लिप्स है वो पिगमेंटेड हो जाते हैं, फ्लेकी हो जाते हैं, फटे फटे हो जाते हैं, लिप्स हमारे डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि ममार्थ ने न्यू लिपस्टिक्स रेंज है जो लॉन्च किए हैं। इन लिपस्टिक्स को अगर आप यूज़ करते हो आपके लिप्स पिगमेंटेड नहीं होते हैं और डिहाइड्रेट भी नहीं होते हैं। आपके लिप्स को हाइड्रेट करने में ये हेल्प करता है। तो देखिए आइए सारे शेड इसके देख लेते हैं। सो गाइज अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ तो अब मैं लिपस्टिक लगानी बाकी है बस मेरी। मैं सोचा आप सबके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जब मैंने मेकअप वीडियो शूट किया था ब्राइडल वाला कि आपने कौन सी लिपस्टिक यूज़ की है। तो मैंने गाइज ममार्थ की ये क्रीमी मैट लिपस्टिक्स है जो मैं यूज़ करती हूँ। मेरी पर्सनली ये फेवरेट ब्रांड है, ये फेवरेट लिपस्टिक्स है। इसमें मेरे पास ना 9 शेड अवेलेबल है। मैं आपको आगे वीडियो में सारे शेड दिखाऊंगी। पर्सनली मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि इससे ना जो हमारे लिप्स जैसे कोई और मैं मैट लिपस्टिक यूज़ करती हूँ ना डार्क शेड यूज़ कर लेती हूँ तब भी मेरे जो लिप्स है वो पिगमेंटेड हो जाते हैं। समर में तो स्पेशली ये चीज़ मेरे साथ होती है मेरी लिप्स बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हो जाती है। तो इसलिए जब से मैंने ममार्थ की ये लिपस्टिक्स यूज़ करनी स्टार्ट की है तो मेरे लिप्स है वो पिगमेंटेड भी नहीं होते हैं, नरिश भी रहते हैं। और क्योंकि इसमें है मुरमुरु बटर एंड विटामिन ई तो मैं भी आपको इसको यूज़ करके भी दिखाती हूँ। आप बताना इसका कलर आपको कैसा लगा। सारे शेड्स मैं आपको दिखाऊंगी जितने भी इसमें अवेलेबल है, जितने भी नए शेड आए हैं वो दिखाऊंगी। इसमें मतलब पैकेजिंग देखो, मतलब इसकी लुक देखो या गाइस कितनी बढ़िया इसकी लुक है। और ये शेड नंबर 05 है टूलिप मजेंटा। तो ये मजेंटा शेड है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका शेड नंबर है 05 टूलिप मजेंटा। तो मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस इंडियन स्किन टोन हो चाहे आपका फॉरनर स्किन टोन हो आपके लिप्स पे भी बहुत अच्छी लगने वाली है। सो ये दूसरा शेड है 06 एप्रिकॉट टॉप TAUP टॉप, ठीक है। तो ये है सेकेंड शेड, इसको भी हम अप्लाई करके देख लेते हैं। सो देखिए वाओ अमेजिंग कितना प्यारा शेड है इसका भी बहुत ही ज़्यादा। तो ये है थर्ड शेड, ये है 02 रोज़ न्यूड। तो इसको भी देख लेते हैं अप्लाई करके। मैं आपको सारे शेड अप्लाई करके दिखा रही हूँ। न्यूड भी है, डार्क्स भी है, इसमें सभी तरीके के आपको शेड्स मिल जाते हैं। 9 शेड आए हैं इसमें। तो ये देखिए अमेजिंग। सो ये फोर्थ आप शेड देख लीजिए, इसका नंबर है 07 पिल्लो न्यूड। तो ये भी न्यूड शेड है, पिल्लो न्यूड 07। मैं जल्दी जल्दी से सारे शेड्स आपको दिखा रही हूँ ताकि कोई शेड मिस ना हो। आपको जो भी पसंद है, आपको न्यूड पसंद है, डार्क पसंद है, आप ले सकते हो। तो इसका शेड है 09 क्रैनबेरी क्रश, क्रैनबेरी क्रश। वाह अमेजिंग कितना प्यारा शेड है, देखो गाइस। ओ माय गॉड, एक से बढ़कर एक शेड है सारे, मैंने सारे ही मंगवा लिए शेड। ये है 03 पिंक रोज। तो याद रखिएगा साथ के साथ मैं नाम बताते जा रही हूँ जैसे जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो ये पिंक रोज,
03 पिंक रोज, इसकी पैकेजिंग पे भी यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए नाम। उसके बाद ये आ जाते हैं जी, ये है शेड नंबर 08 हिबिस्कस न्यूड, ये भी न्यूड में है, हिबिस्कस न्यूड थोड़ा लाइट शेड है, मतलब कि ये गर्लिश शेड है। आजकल तो मैरिड एंड मैरिड सभी वुमेन्स इस तरीके के शेड्स अप्लाई करते हैं देखिए। इसके बाद जी हम आ जाते हैं ये 04 MAUV मॉव ब्लूम है ना मेरी थोड़ी सी टूटी फूटी लैंग्वेज, 04 मॉव ब्लूम, ये देखो ये शेड है। ये है शेड नंबर 04 मॉव ब्लूम। इसके अलावा अब आ जाते हैं हमारे लास्ट शेड पे, ये भी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मुझे ज्यादातर डार्क शेड पसंद है। इसका है 01 रूबी क्रश, ये जो मैंने कल की वीडियो में मेकअप वीडियो में यूज किया था ये वो शेड है 01 रूबी क्रश देखिए। तो ये सारे शेड्स इसमें अवेलेबल है, आप कोई सा भी शेड परचेज कर सकते हो। क्रीमी टेक्सचर है, मैट लुक देता है, लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक्स है, तो जरूर इनको परचेज कीजिए गाइस। अफोर्डेबल प्राइस में है, 399 इसका MRP है। तो अगर आप परचेज करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप परचेज कर सकते हो। ये प्रोडक्ट्स, ये लिपस्टिक्स आपको मिलेंगी अमेजोन, नाइका, फ्लिपकार्ट, पर्पल, ममार्थ के ऑफिशियल ऐप एंड वेबसाइट पर अवेलेबल मिलेंगी। इसके अलावा आपके नजदीकी स्टोर्स में भी अवेलेबल मिल जाएगी। और गाइस ममार्थ की सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी आप ममार्थ से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो आपके ऑर्डर को एक प्लांट के साथ लिंक कर देते हैं, क्योंकि ममार्थ एम करता है 2025 तक 1 मिलियन प्लांट लगाने का। और ममार्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, जितना प्लास्टिक ये अपने प्रोडक्ट को बनाने में यूज करते हैं उससे कहीं ज्यादा रिसाइकल भी करते हैं। तो गाइज अगर आप ऑनलाइन इनको परचेज कर रहे हो तो जो मेरा कूपन कोड है स्क्रीन पे मेंशन हो रहा है, इस कूपन कोड को आप अप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा ऑफ। सो गाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इन लिपस्टिक्स को परचेज कर सकते हो। कोई सा भी शेड अगर आप परचेज करना चाहो कर सकते हो, 9 शेड इसमें अवेलेबल है। थैंक यू। तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ प्रियांश को दवाई लेने के लिए, दवाई दिलाने के लिए। मम्मी के घर आए थे अभी हम, तो बस इसको लेके मैं जा रही दवाई दिलाने। और बहुत से मतलब अगर मेरा काम नहीं चला है ना, मतलब यूट्यूब का वेटी का काम नहीं चला, तो फिर मुझे या तो कोई जॉब करनी पड़ेगी। जॉब पे भी जितना जॉब करके मिलेगी उतना तो फिर भी यहाँ पे चलो मिल ही रहा है यूट्यूब पे, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर अगर मेरा नहीं कहीं काम कुम चला ना, तो मैं सच्ची यूट्यूब वगैरह सब कुछ छोड़ के, मैंने तो कोई अच्छा सा घर देख के शादी करके मैं अपने बेटे को लेके यहाँ से चले जाना, फिर मैंने मुड़ के वापस ना मैंने देखना मैंने यूट्यूब की तरफ, ना किसी के व्लॉग देखने ना खुद व्लॉग बनाने, बस अपनी लाइफ में बिल्कुल अलग हो जाना है। कोई मुझे काश मतलब कोई मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा आ जाए जो अच्छा कमाने वाला हो और खिलाने वाला और रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, जिम्मेवारी उठाने वाला। मैं सच्ची में मैंने ये यूट्यूब छोड़ देना है, बहुत स्ट्रेस है इसमें, इतना मतलब दिमाग खपाई हुई रहती है ना, इतना दिमाग ख़राब हुआ रहता है कि बस क्या ही बोलूँ। सुबह उठती हूँ ये टेंशन होती है कि इतना कमाना है, इतने पैसे चाहिए, रात को सोती हूँ ये टेंशन होती है इतने पैसे चाहिए। और अगर यूट्यूब पे इतनी मेहनत करके भी ये हाल रहेगा तो फिर तो और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, तो फिर तो चली जाऊँगी मैं, क्या करूँ जब मैं अपने बच्चे को कुछ खर्चे नहीं उठा पाऊँगी, मैं इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे कर पाऊँगी, मैं रेंट नहीं पे कर पाऊँगी, तो फिर मैंने क्या करना। मुझे थोड़ी कोई आएगा तो बैक सपोर्ट आएगी कि ये लो पैसे और ये तुम घर चला लो अपना, ये लो पैसे ये सब कर लो, नहीं वो तो कुछ नहीं, मतलब किसी ने नहीं ऐसा मतलब नहीं हो सकता ना पॉसिबल। तो इसलिए फिर इससे बेटर तो यही है भाई, कहीं कोई घर देखो अच्छा सा, शादी करो और फिर सबसे दूर हो जाओ, यूट्यूब सोशल मीडिया सब चीज़ों से दूर हो जाओ। सो कहीं बस ऐसे थॉट्स मेरे दिमाग में आने लगते हैं। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, मैं अभी जा रही हूँ दवाई दवाने के लिए प्रियांश को, वो मैं अलग सिरे से ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, सोचा इसको मैं एक बार एंड कर देती हूँ है ना, ये मेरा हो ही गया होगा 8-9 मिनट का, तो इसलिए चलिए वीडियो करती हैं एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।